दोस्तों, जब कोई अधिकारी किसी पद को छोड़ के जाता है और दूसरे को उसका चार्ज देता है, क्योंकि अगर कोई पद भरा रहना है तो चार्ज देना पड़ता है उसका, कि जो उसकी उस समय की स्थिति है, ये फाइल पेंडिंग है, इनमें ज़्यादा ध्यान देना है, इनमें ज़्यादा अनियमितताएं हैं, इनमें काम अधूरा है, इनमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये काम आधे पूरे हो गए हैं, ये काम कुछ समय बाद पूरे होने वाले हैं, कुछ अच्छी जो बातें हैं, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं हमारे, ये बहुत अच्छे से पूरे हो जाएंगे। फिर ये भी बताता है एक अधिकारी दूसरे को कि कौन कौन से कर्मचारी अधिकारी अच्छे हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं वहाँ पे, चार्ज देने के अलावा फाइलों का और बातों का, तो व्यवहार की बातें भी बताता है कि यहाँ पे क्या चीज़ कैसी है, इसे कहते हैं चार्ज देना। तो इस बात को मैं ऐसे जोड़ता हूँ दोस्तों, जब कृष्ण भगवान जी ने द्वापर में ये कहा गीता में कि मैं जब जाने लगे, तो गीता में लिखा है कि भाई जब कलयुग में घोर पाप बढ़ जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, तब मैं आऊंगा। तो ऐसा कहने का मतलब ये था कि वो चार्ज दे रहे थे कल्कि को, देखो ये स्थितियां हैं, कल्कि को चार्ज देना ही था वो कलयुग का, कि देखो यहां पे ये चीज खराब है, अधर्म बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। तो जब अधर्म बढ़ रहा बता रहे थे, तभी कल्कि की कलाएं बढ़ गई थी वो, क्योंकि अंतिम युग था, तो संपूर्ण कलाएं जितने भी होती होनी थी वो उस बताने में छुपी है ये बात। इसे कहते हैं चार्ज देना, युग से युग का चार्ज। अब क्योंकि अंतिम युग है, घोरी होने चीजें, खराब चीजें, अधर्म की ज्यादा, किसी भी जगह जब चार्ज दिया जाता है उसकी चिंता ज्यादा की जाती है, जो तत्काल में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम सोल्व करना, वो तत्काल की प्रॉब्लम। हमारे यहाँ चर्चा ही अधर्म की, कि अधर्म चरम पे होगा, तो कलाएं भी चरम पे होंगी। गीता में जब आप पढ़ते हो, जब वो कहते हैं ना कि कलयुग में ऐसा होगा, वैसे होगा, फिर ये होगा, वो चार्ज देना है कल्कि को, आप संभालो। आप सोचो, फिर बहुत सारी बातें और बताई होंगी भगवान कृष्ण ने, जो आप उसमें देखते हो कि सज्जन पुरुष भी है जिनके लिए आपको ये करना है, और भी बहुत सारी बातें बताई होंगी कि अच्छाई क्या है,